स्टार्ट। प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया है, विराम। कितने ही ऐसे काम हैं जिन्हें पूर्ण करने हेतु मानव को श्रम करना पड़ता था, परंतु आज दृश्य पूर्णतः बदल गया है, विराम। मनुष्य के हर छोटे बड़े काम जिनमें उसका समय तथा श्रम दोनों ही खर्च होते थे के लिए कोई न कोई मशीन है, विराम। यदि आपके पास गंदे कपड़े हैं तो कपड़े धोने वाली मशीन है। यदि आपको बर्तन धोना पसंद नहीं तो डिश वाशर है। यदि आप अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हथेली के माप का मोबाइल फोन है। किसी सूचना को पाने के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक क्लिक करने भर की देरी है और आपके समक्ष उस सूचना के साथ साथ अनेकों संबंधित सूचनाएं भी आ जाएंगी, विराम। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन का वह समय तथा श्रम जो दैनिक गतिविधियों में चला जाता था को बचाया है तथा मनुष्य के जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है, विराम। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले मानव जीवन में प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम था, परंतु कंप्यूटर का आविष्कार होते ही मानव जीवन पूर्णतः बदल गया है, विराम। गणित का कोई कार्य हो या संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाने का या संगीत के निर्माण का कोई भी कार्य हो, उसे कंप्यूटर के प्रयोग से सरलता से किया जाने लगा है, विराम। मनुष्य तथा मशीन साथ साथ चलते हैं तथा मनुष्य के लिए मशीनों का निर्माण हुआ है, विराम। निकट भविष्य में भी मशीन मानव के लिए रहेगी, मानव मशीन के लिए नहीं, विराम। पैरा वर्तमान युग तकनीकी युग है, विराम। तकनीकों ने सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विराम। तकनीकों ने उत्पादकता कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार किया है, विराम। मानव जीवन के स्तर को औद्योगिक मशीनों, घरों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों, यातायात के साधनों, मनोरंजन के साधनों द्वारा ऊंचा किया है, विराम। ऐसे में मनुष्य का क्या महत्व रह जाता है, पैरा। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑर्थर लुईस तथा सुल्ज ने अपने अध्ययन द्वारा ये सिद्ध किया कि मानव संसाधन का विकास ही आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की कुंजी है, विराम। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात मानव शक्ति के विकास पर ध्यान देना तब प्रारंभ हुआ जब जापान और जर्मनी ने दर्शाया कि संसाधन और तकनीक का कुशलतापूर्वक प्रयोग ही विकास तथा समृद्धि की ओर ले जाता है, विराम। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी आधुनिक तथा विकसित तकनीक के बल पर ही इतनी समृद्धि प्राप्त की है, विराम। एक हद तक उनकी रक्षा तकनीकों के कारण ही उनकी सेनाओं का दबदबा पूरे विश्व पर है, विराम। परंतु इन सब कार्यों में उन्होंने अपने मानव संसाधन को भुला नहीं दिया, अपितु अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि पर व्यय किया, जिससे एक विकसित तथा समृद्ध समाज बनाया जा सके, विराम। विकसित देशों की वास्तविक उन्नति उनका उन्नत मानव संसाधन ही है, विराम। ऐसे राष्ट्रों के नागरिक शोध, विकास, आविष्कारों तथा अनुसंधानों में सक्षम हैं और इसी कारण ये राष्ट्र पूरे विश्व से कहीं आगे हैं, विराम। इन राष्ट्रों ने व्यापार, उद्योग तथा सैन्य बल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है, विराम। पैरा।
तकनीक तभी अधिकाधिक विकसित हो सकती है जब मानव संसाधन पूर्णतः विकसित तथा सक्षम हो। विराम क्षमता वृद्धि का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मात्र उद्योग आधारभूत संरचना और यंत्र आदि का विकास कर लिया जाए, अपितु ऐसा मानव संसाधन भी आवश्यक है कि वह कुशलता से इन सब का उपयोग कर सके। विराम अल्प सक्षम मानव संसाधन या मानव संसाधन की संख्या में कमी के कारण उत्पादकता में कमी, निम्न गुणवत्ता की सेवाएं जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विराम प्रतिस्पर्धात्मक रवैये में कमी तथा असंतुष्ट मनुष्यों के कारण सामाजिक तनाव तक उत्पन्न हो सकता है। विराम यदि मानव संसाधन का भली प्रकार से विकास न किया जाए तो ये शोध तथा विकास में भी बाधा पहुंचा सकता है। विराम पैरा तकनीक तथा मानव संसाधन एक दूसरे का विकल्प नहीं है, न ही हो सकते हैं। विराम परंतु एक दूसरे के पूरक अवश्य हो सकते हैं। विराम हरित क्रांति काल के उपरांत जापान और कोरिया ने औद्योगिकरण तथा कृषि में उन्नति के द्वारा पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि किस प्रकार तकनीक उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर सकती हैं। विराम यद्यपि इस विकास को बनाए रखने हेतु मानव संसाधन का विकास भी कार्य कुशलता में वृद्धि ट्रेनिंग और शिक्षा द्वारा किया गया। विराम पैरा भारत और चीन लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए तथा उस समय भारत कई क्षेत्रों में चीन से आगे था, परंतु कालांतर में चीन औद्योगिकरण में सफल हुआ क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान लोगों की कार्यकुशलता को विकसित करने में लगाया। विराम आज चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। विराम दूसरी तरफ भारत पिछड़ गया क्योंकि भारत अशिक्षा को दूर कर कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं कर पाया। विराम अतः भारत उद्योग तथा कृषि के साथ साथ शोध अनुसंधान में भी पिछड़ गया। विराम आज विश्व में चीन शोध तथा अनुसंधान पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है। विराम बिल गेट्स के अनुसार व्यवसाय में प्रयुक्त किसी तकनीक के लिए पहला नियम यह है कि कुशल संचालन के लिए लागू स्वचालन दक्षता को बढ़ा देगा। दूसरा है कि अकुशल संचालन के लिए लागू स्वचालन अकुशलता को बढ़ा देगा। विराम कौन कुशल संचालन का निर्णय करेगा? मानव संसाधन और कोई नहीं। विराम पैरा बहुत से ऐसे काम हैं जो तकनीक या प्रौद्योगिकी की सीमित क्षमता से परे हैं, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये निर्णय नहीं कर सकता कि वोट किसे दिया जाए या किसी न्यायिक मामले का निर्णय क्या हो या कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक। विराम कोई रोबोट स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सकता। विराम तकनीक प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकती, न ही मशीनें आपदाग्रस्त स्थान का रिक्तिकरण बचाव तथा राहत कार्य ही हो सकती है। विराम इसके लिए आपदा प्रबंधन में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। विराम पैरा तकनीक के विकास का आरंभ तभी से हो गया था जब मानव ने अग्नि का प्रयोग करना जाना तथा पहिए की निर्माण कला को सीखा। विराम तब से एक के बाद एक नई नई खोज तथा नई नई तकनीकों ने मानव जीवन को वास्तविक रूप में रूपांतरित कर दिया। विराम तकनीकों ने मानव को पृथ्वी पर समुद्र
तल की गहराइयों में तथा अंतरिक्ष के असीमित क्षेत्र तक कार्य करने में सक्षम बना दिया है। विराम, मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है और रोबोट द्वारा अति सूक्ष्म कार्यों के निष्पादन में भी सक्षम है। विराम, आने वाले समय में रोबोट मानव जाति के लिए उसी प्रकार कार्य करेंगे जैसे कोई सहायक करता है। विराम।